देश में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर देपालपुर प्रेस क्लब एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में विशाल रक्तदान महादान शिविर का आयोजन मंगलवार को नई तहसील कार्यालय परिसर में किया गया। मंगलवार को आयोजित शिविर में काफ़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिका बैंक कर्मी पटवारी पुलिस कर्मी युवाओं ने रक्तदान शिविर में भाग लेकर अपना योगदान दिया। रक्तदान की पवित्रता और इसके उद्देश्य को समझते हुए समाज सेवा की भावना या अपने मन की शांति के लिए ही रक्तदान करें, इससे आपको भी खुशी मिलेगी और सामने वाला भी हमेशा आपका आभारी रहेगा। इसकी इसी खासियत की वजह से रक्तदान को महादान कहा जाता है। इस शिविर में 3 ऐसे युवाओं ने ब्लड डोनेट किया जिनका आज जन्मदिन भी था और जिन्होंने जन्मदिन के अवसर पर सकारात्मकता का परिचय देते हुए सभी से रक्तदान की अपील की। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि तुम पूछते हो हमने किया क्या है, तुम पूछते हो हमने किया क्या है, लहू तक बहाया पसीना क्या है, मेरे हिस्से में जीत ही जीत बाकी है, हारने को मेरे पास बचा क्या है। वो शेर मुझे बड़ा याद आ रहा है इस मौके पे कि ये जो आपने यहाँ पे उपक्रम किया है कि प्रेस क्लब की तरफ से ब्लड डोनेशन का जो कैंप लगाया है, मैं भी देख रहा था कि लगभग 80 लोग ब्लड दे चुके हैं और मेरे साथ एक लड़का आया था, उसे मैंने नहीं कहा कि तुम्हें ब्लड देना है, लेकिन उसने प्रेरणा उसको मिली कि यार इतने लोग रक्तदान कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी बचाने का उपक्रम कर रहे हैं, तो मैं भी दे हूँ। तो वो खुद ब्लड दे रहा है और इसे आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब्जी को खेतों में उगा सकते हैं, कोई सामान बाजार से खरीद के ला सकते हैं, लेकिन रक्त को हम लोग पैदा नहीं कर सकते, वो मानव शरीर से हमें मिलेगा और मानव शरीर में ही जाएगा, तो मानव शरीर से प्राप्त होने वाली चीज़ मानव शरीर में जाए तो ये हर मानव का धर्म है, तो इस धर्म को निभाए। और मैं आप सभी को प्रेस क्लब के साथियों को इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ, जो डॉक्टर्स की टीम है उनको बधाई देता हूँ, और जो ये बस पीछे मेरे खड़ी दिखाई दे रही है कि जो बस आई है इस बस को लाने वाले और ये जिन्होंने भी संसाधन जुटाए उनको सबको बधाई देता हूँ। और एक विशेष बात मैं ये भी देख रहा हूँ यहाँ पे कि सभी सरकारी कर्मचारी SDO साहब हुए, अपने थाना प्रभारी भेटवा के भी यहाँ पे थे चौबंदा पुरने के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लोग आयुष मेरे साथ खड़ी है, वकालत के क्षेत्र से हालांकि मैं खुद भी वकील हूँ पर मेरे साथ विजय भैया खड़े हैं, माध्यम से ये रक्तदान महादान का कार्य कर रहा है। सभी को बधाई, आयोजनकर्ताओं को बधाई और रक्तदान करने वालों को भी। इस फिलहाल ये बड़ा अच्छा अनुभव मुझे मिला है कि देपालपुर में देपालपुर प्रेस क्लब अभी तक अच्छे रचनात्मक कार्य करता है। प्रथम बार मैं देख रहा हूँ कि ये इस समय का रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये एक रक्त का एक बॉटल से हो सकता है कितने लोगों की जान बचेगी और कितने लोगों की इस रक्तदान से लोगों को सेवाग्रत मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में इस तरह के सेवा लगाए और ये जो है रक्त शिविर जो आयोजन किया गया है ये इसी तरह पुनः पुनः लगे। और मैं पुनः देपालपुर ट्रस्ट क्लब के सभी सदस्यों को मैं अपने तरफ से बधाई देता हूँ और एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं एक प्रतिनिधि के रूप में इन लोगों की इस सेवा के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।